अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। ब्रांड न्यू घर लेके आया आज आपके लिए फॉर सेल। 10 मरला हाउस है, रॉक वॉल हुआ है फ्रंट पे टाइल वर्क के साथ। डायमेंशन इसके 35x65। एलडीएस अप्रूव्ड एरिया में सिचुएटेड है, गैस अवेलेबल है इस एरिया में। लोकेशन वाइज बहुत ही वीआईपी लोकेशन पे सिचुएटेड है ये घर, बैरियर टाउन लाहौर में। आपको मैं इसका लेन व्यू दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बिल्कुल सामने फूड कोर्ट है, सिनेमा है, स्नूकर क्लब है, जिम है। वीआईपी लोकेशन पे ये घर इस टाइम अवेलेबल है फॉर सेल। डिमांड इसकी है 3 करोड़ 10 लाख। अगर यहाँ पे प्लॉट का करूँ कंपैरिजन, तो यहाँ पे प्लॉट तकरीबन 130 का प्लॉट है, 130 से 140 का। तो आए अंदर चलते हैं, अंदर से अपना व्यू शुरू करते हैं। आप इसका बाहर देख सकते हैं, रैंप एरिया दिया हुआ है। इजीली कार बाहर पार्क हो जाती है टू। ये बड़ी अच्छी एक आपको फैसिलिटी ऑप्शन दी हुई है बाहर रैंप की। बाउंड्री वॉल देख सकते हैं इसकी, ग्रीन एरिया। फ्रंट व्यू इस घर का, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे ये घर सिचुएटेड है, बैरियर टाउन लाहौर में, सेक्टर सी में। ब्लैक एंड गोल्डन इसका मेन एंट्रेंस गेट है। गैरेज में आते हैं, 21 फीट वाइड गैरेज है इसका। फॉल सीलिंग व्यू, राइट साइड पे वॉल पे आर्टिफिशियल ग्रास वर्क हुआ हुआ है, निश दी हुई है, सामने डिज़ाइन दिया हुआ है टाइल वर्क के साथ। लेफ्ट साइड पे सिटिंग एरिया आर्टिफिशियल ग्रास वर्क के साथ। राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी साइड गली है, जो कि 5 फीट है वाइड। लॉन्ड्री एरिया दिया हुआ है बैक पे। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है ग्लास में, वुडन स्टाइल दिया हुआ है कटवर्क में। ड्राइंग रूम से हम एंटर होते हैं, अंदर का व्यू शुरू करते हैं। ग्रे टाइल दी हुई है फ्लोर पे, सामने फायरप्लेस दी हुई है, टाइल वर्क हुआ है फायरप्लेस के ऊपर, साइड पे ग्लास वर्क है, वेलवेट वर्क हुआ है ब्राउन शीट में, वेलवेट में। कर्टन इंस्टॉल्ड हैं क्रीम एंड ब्राउन शेड में ड्राइंग रूम में। कॉपर की फायरप्लेस दी हुई है, पार्टीशन दी हुई है ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में, ड्राइंग रूम और लाउंज में। टीवी लाउंज में चलते हैं तो फ्लोर पे आप देख सकते हैं वाइट टाइल यूज हुई है 32x32 की। सामने मीडिया वॉल दिया हुआ है, एलसीडी फिटेड है सैमसंग की। शैंडलियर, फॉल सीलिंग व्यू, राइट साइड पे टीवी लाउंज है, किचन दिया हुआ है ओपन, जिसके अंदर फ्रिज है, माइक्रो ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन इंस्टॉल्ड है। टीवी लाउंज के लेफ्ट साइड पे वॉल पे वेलवेट वर्क हुआ है, सेंटर में ग्लास वर्क हुआ है, वॉलपेपर लगा हुआ है साइड पे। टीवी लाउंज व्यू कंप्लीट, शैंडलियर, फॉल सीलिंग व्यू। बहुत ही प्यारा घर, लोकेशन वाइज बहुत ही हॉट लोकेशन पे ये सिचुएटेड है। किचन देख सकते हैं आप, फ्रिज दी हुई है, पेल की फ्रिज है, माइक्रो ओवन इलेक्ट्रिक ओवन इंस्टॉल्ड है। सामने सिंक एरिया दिया हुआ है, राइट साइड पे बर्नर्स हैं, हुड है, ब्लैक एंड क्रीम शीट यूज हुई हुई है किचन में। बेडरूम देखते हैं इसके, फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं इसकी टाइल, व्हाइट एंड गोल्डन शेड में टाइल है। सामने ग्रीन एंड क्रीम कलर में कर्टन दिए हुए हैं, फॉल सीलिंग, फैन इंस्टॉल्ड है, वेलवेट वर्क हुआ है, ग्लास वर्क हुआ है, वॉलपेपर,
राइट साइड पे मीडिया वॉल भी दिया हुआ है, मीडिया वॉल के बिल्कुल साथ डोर के बिल्कुल पीछे कंसील्ड वार्डरोब इंस्टॉल्ड है। वॉशरूम देखते हैं, वेंटी एरिया, शॉवर, गोल्डन शॉवर इंस्टॉल किया हुआ है, कमोडिस के कंसील्ड है, पोर्टा की फिटिंग यूज हुई हुई वॉशरूम में, बहुत ही प्यारा वॉशरूम, बेडरूम इसका पूरा व्यू, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, लॉबी एरिया, किचन। सेकंड बेडरूम में चलते हैं, रेड एंड गोल्डन कर्टन इंस्टॉल्ड है, लेफ्ट साइड पे एक सेम मीडिया वॉल भी दिया हुआ है, वार्डरोब भी है जो कि कंसील्ड है, फॉल सीलिंग व्यू, वेलवेट वर्क हुआ हुआ है, वॉलपेपर ग्लास वर्क हुआ हुआ है सेंटर में, वॉशरूम व्हाइट एंड ब्लैक कलर में, वेंटी टीवी है, टाइल वर्क कंप्लीट हुआ हुआ है, जकूजी दिया हुआ है वॉशरूम में, कमोड कंसील्ड है, बहुत ही प्यारा वॉशरूम। डायमेंशन इसकी है 35x65, 35 इसका फ्रंट, 65 इसकी लेंथ है, एलडीएस अप्रूव्ड एरिया में सिचुएटेड है ये घर, बैरिया टाउन लाहौर में। लॉबी एरिया में आ जाते हैं, ये आपका लॉबी एरिया आ गया, राइट साइड पे ग्लास दिया हुआ है, स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम दिया हुआ है, पाउडर वॉशरूम है, स्टेयर्स की स्कॉटिंग में लाइट दी हुई है, स्टेयर्स के सेंटर में ग्लास वर्क हुआ हुआ है, ऊपर आते ही लेफ्ट साइड पे टेरेस एरिया आ गया, ये आपकी बैक गली, स्टेयर्स के बिल्कुल सामने बेडरूम है, फर्स्ट अपर पोर्शन का वाइट एंड गोल्डन टाइल यूज हुई हुई है, सामने वॉलपेपर लगा हुआ है, वुडन वर्क हुआ हुआ है, निश दी हुई है, अटैच वॉशरूम है, वार्डरोब इसकी कंसील्ड है, गोल्डन एंड ब्लैक कर्टन दिए हुए डोर के बिल्कुल पीछे, वेंटी एरिया, शॉवर एरिया, वॉशरूम, वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी दी हुई है, ऊपर आते ही राइट साइड पे ओपन किचन दिया हुआ है, जिसके अंदर ग्रीन एंड ब्राउन शीट यूज हुई हुई है, कैनन का हुड इंस्टॉल्ड है, बर्नर्स, सिंक एरिया, टीवी लाउंज देखते तो व्हाइट एंड ब्लैक टाइल यूज हुई हुई है फ्लोर पे, राइट साइड पे एक स्ट्रीम मीडिया वॉल है, सामने निश दी हुई है, वॉलपेपर लगा हुआ है, फॉल सीलिंग व्यू, शैंडलियर, लेफ्ट साइड पे ग्रे एंड रेड कलर में कर्टन इंस्टॉल्ड है। सेकंड बेडरूम अपर पोर्शन में ब्राउन एंड गोल्डन कर्टन्स, राइट साइड पे मीडिया वॉल, वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, कर्टन्स के साइड पे दो निशे दी हुई हैं, जिसके अंदर एक के अंदर ग्लास फिटेड है और एक के अंदर अभी फिट होने वाला है, वार्डरोब इसकी कंसील्ड है, डिजाइन वर्क भी दिया हुआ है बिल्कुल वॉल में, वॉशरूम ब्लैक एंड गोल्डन वेंटी दी हुई है, मिरर इसका फिट होने वाला है, जस्ट फिनिश हुआ है ये घर अभी, फिनिशिंग फेज में आप कह सकते हैं, ब्लैक शॉवर दिया हुआ है, कमोड इसके कंसील्ड है, बहुत ही प्यारा वॉशरूम, बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है, येलो पाइन सॉलिड डोर है इस घर के। ये तीसरा बेडरूम
वाइट एंड गोल्डन टाइल 32x32 की, सामने क्रीम एंड ब्लैक कर्टन इंस्टॉल्ड है। ये इसका फॉल सीलिंग व्यू, वॉलपेपर लगा हुआ है वॉल पे, सेंटर में एक निश टीवी है, लेफ्ट साइड पे इसकी वॉल पे मीडियम वॉल दिया हुआ है। डोर के पीछे कंसील्ड वार्डरोब्स हैं ग्रे शेड में। वॉशरूम एरिया जकूजी ऊपर भी दिया हुआ है। टोटल इस घर में दो टीवी जकूजी, एक नीचे वाले वॉशरूम में थी, एक ऊपर। कमोड, वेंटी एरिया, जकूजी एरिया, एग्जॉस्ट दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत घर, वॉशरूम बहुत प्यारे, सॉलिड डोर दिए हुए हैं येलो पाइन में, पोर्टा की फिटिंग यूज हुई हुई है। डिमांड इसकी 3 करोड़ 10 लाख। ऊपर चलते हैं, आपको इसका ऊपर का भी व्यू करवा दूं। एलडीएस फूड एरिया में इंटीग्रेटेड है, बेरेटा लाहौर में, मार्बल फिटेड है। ये वेंटिलेशन एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, ये उसके दिया हुआ ताकि हवा फिरती रहे पूरे घर में। ये देखें, ये मार्बल फिटेड है पूरी छत पे। पीछे एक स्टोर दिया हुआ है, सर्वेंट रूम दिया हुआ है, उसके साथ वॉशरूम है। तो गाइस, ये था एक नया घर, लोकेशन नई, एलिवेशन नया, बहुत ही प्यारा घर, सिचुएटेड है बैरियर टाउन लाहौर में। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। तो गाइस, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।